बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल ऑफ ब्यूटी आइडियाज़। तो कैसे हैं आप जी? तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वंडरफुल प्रोडक्ट जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं। आखिर ये है क्या चीज़, इसका रिज़ल्ट क्या है, ये काम क्या करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, हमारी बॉडी में ये क्या काम करता है, हमें डेली कितनी डोज लेनी चाहिए। आपके बहुत से सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। आराम से तसल्ली से बैठ के आपने मेरी वीडियो को देखना है जी। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रीफैक्टर के बारे में। न्यूट्रीफैक्टर एक ऐसी कंपनी है जिसकी हर प्रोडक्ट हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं जी। इसकी एक डिब्बी मैंने इस्तेमाल कर ली है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँ। यह है न्यूट्रीफैक्टर वीटामैक्स वोमेन वन अ डे मल्टी। ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है, इसमें टोटल 30 टैबलेट होती हैं। इसके बारे में लिखा गया है, ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एनर्जी, हेल्थी हेयर, स्किन एंड नेल्स, बोन्स हेल्थ और इम्यूनिटी। मेरी अक्सर फ्रेंड्स, मेरी अक्सर सिस्टर्स, उनका ये सवाल था कि हमें रोज़मर्रा रूटीन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी हेल्थ की, अपनी स्किन हेल्थ, अपने हेयर्स हेल्थ की केयर कर सकें। हमें कुछ ऐसा टिप बताया जाए जिससे हम जो है एकदम फ्रेश रहे, हमारी स्किन भी फ्रेश रहे और हमारे हेयर्स भी फ्रेश रहें और हमारी हेल्थ भी बेस्ट रहे। तो मैंने इसको पूरा एक मंथ यूज़ किया है, तो उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू लेके आई हूँ। और वो ख़वातीन के साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वो मुकम्मल डाइट नहीं ले पाती अपनी डेली रूटीन में, घर के कामों में, बच्चों के कामों में इस तरह बिजी होती हैं कि वो ख़ुद को इग्नोर कर देती हैं, हर वक्त थकी थकी रहती हैं। तो इसके लिए बेस्ट है, यही ऑप्शन है कि आप मल्टीविटामिन यूज़ करें। याद रखें कि मल्टीविटामिन जो है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ जो है टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। जब हम लोग मुकम्मल डाइट नहीं ले पा रहे होते, हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें मल्टी विटामिन यूज़ करनी चाहिए, इसको अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हो क्या एंटी एजिंग हो जाता है, वक्त से पहले ही हो जाता है। इतनी एज हमारी होती नहीं है लेकिन हमारी स्किन पर काफ़ी रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, बूढ़ी बूढ़ी लगने लग जाती है, पिम्पल्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट। और अगर बालों की हेल्थ पे आ जाएँ तो बालों का गिरना आम हो चुका है, बालों की ग्रोथ भी नहीं होना, नेल्स का टूटना, डैंड्रफ और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वुमेन के साथ रहती हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग मुकम्मल अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं देते, मुकम्मल डाइट हमारी अच्छी है ही नहीं। हमने डेली रूटीन में ख़ुद को इस कदर बिज़ी कर लिया है कि हम लोग अपनी हेल्थ पर तवज्जो दे ही नहीं पाते। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप वीटामैक्स वोमेन यूज़ करें। तो अगर स्किन की बात करें तो स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है। मैंने इसको यूज़ किया, इससे मेरी स्किन पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। वैसे मेरी स्किन पे इतना ख़ास कोई भी मसला नहीं था, लेकिन डार्क सर्कल्स काफ़ी बन चुके थे नींद ना पूरी होने की वजह से। तो इससे मुझे तकरीबन 70% मेरे डार्क सर्कल्स पे फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और एक्ने पिंपल्स भी मुझे कोई भी नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी मेडिसिन जब यूज़ करते हैं तो उससे हमारी स्किन पे एक्ने या पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, लेकिन इस मेडिसिन के यूज़ करने से मुझे कोई भी एक्ने, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं बना। मेरी स्किन एकदम फ्रेश और नीट हो गई है और उसके अलावा काफ़ी हेल्दी भी फील होती है। ठीक है, और अगर हेल्थ की बात करें तो काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेडिसिन यूज़ करने से मैंने अपने अंदर काफ़ी डिफरेंस महसूस किया है, पहले की निस्बत मैं काफ़ी एक्टिव हो चुकी हूँ। खुद की केयर ना करने की वजह से मैं बहुत वीक हो रही थी, वीकनेस महसूस कर रही थी। उसके बाद ही मैंने काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैंने इसको चूज़ किया अपने लिए, इसको चूज़ किया और इसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, सुबह उठते हैं तो थकान महसूस होती है, उसके अलावा डेली हम जो काम करते हैं, काम करने के बाद आप थक जाते हैं, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है।
अक्सर मेरी सिस्टर्स जो होती हैं कॉलेज की यूनिवर्सिटी गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, वो तो स्कूल से आते हैं और थकी थकी महसूस करते हैं ख़ुद को, बहुत ही ज़्यादा उन्हें थकावट होती है, उसके बाद वो कोई भी काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, इसको अपनी रेगुलर लाइफ में ऐड करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे, आप ख़ुद को बहुत ही एक्टिव महसूस करेंगी। अगर हेयर्स हेल्थ की बात कर लें तो उस पर भी मुझे तकरीबन 50% जो है वो रिस्पॉन्स मिला है, बेस्ट हो गए हैं मेरे, तकरीबन 2 इंचेस के करीब मेरे हेयर जो है उनकी ग्रोथ हुई है। उसके अलावा डैंड्रफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, बालों का गिरना है वो भी तकरीबन 50% कम हुआ है। ठीक है जी, मैंने इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल होनेस्ट, कोई भी इसमें मैंने बेईमानी नहीं की, जो जो मुझे रिज़ल्ट इसका मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने मंगवाई है न्यूट्रीफैक्टर की बायोटिन प्लस, ये ओनली हेयर स्किन और नेल्स के लिए है, अभी मैंने इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टोटली इसको 10 दिन इस्तेमाल किया, 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी कंप्लीट, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर करूँगी। अभी इसमें काफ़ी टैबलेट हैं तो इस्तेमाल करने के बाद मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी, इसकी तो मैंने मतलब सारी यूज़ कर ली है, ओनली 1 टैबलेट रह गई है। और हाँ, कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा क्या इसके इस्तेमाल से हमारा रंग गोरा होगा, क्या इसके इस्तेमाल से हम जो हैं वाइट हो जाएंगे, तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे देती जाऊँ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इससे हमारा कलर जो है उसमें फ़र्क आएगा, मामूली फ़र्क आएगा, क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करती है, आपकी स्किन को हेल्थी बनाएगी, आपकी स्किन को नीट बनाएगी, आपकी स्किन पे जो भी डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, तो जब वो सब चीज़ें हमारी स्किन से हट जाएंगी तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ही क्लियर नज़र आएगी। ठीक है जी, ये था मेरे न्यूट्रीफैक्टर विटामैक्स वूमेन का रिव्यू, तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। लास्ट पे मैं ये कहती चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वुमेन और मदर फीड वुमेन इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको आपने शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।